इस मुठभेड़ हुई है, बदमाश पर क्या इनाम था, क्या पाया गया सर? जनपद संभल में ये हयात नगर थाना क्षेत्र से एक सूचना मिली थी चेकिंग के दौरान कि एक अपराधी है जो निकल के आ रहा है। रजपुरा थाना क्षेत्र की तरफ से वो निकल के आ रहा था तो उसकी घेराबंदी की गई। ये सकरपुर जंगल एरिया है जहाँ पे घेराबंदी के दौरान इसने पुलिस पे फायर किया जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। इसी दौरान पुलिस इंगेजमेंट में इस अपराधी को भी गोली लगी। जब इसकी पूछताछ और शिनाख्त की गई तो ये पाया गया कि ये एक नोटोरियस अपराधी है जो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल रहा है। ये दूल्हे मियाँ और समीर और सहरोज करके इसका नाम है। इसका एक साथी है जो मौके से फरार हो गया है, उसकी जंगल में कॉम्बिंग चल रही है। 3-4 थानों की फोर्स यहाँ पे संभल, असमोली, हयात नगर और धनारी, इन सभी की फोर्स यहाँ पे मौके पे मौजूद है। सभी लोग कॉम्बिंग में शामिल हैं। हमारे CO संभल और CO गुन्नौर हैं, वो भी मौके पे शामिल हैं। सभी लोग इस क्षेत्र में घेराबंदी किए हुए हैं और ये अपराधी बहुत ही नोटोरियस किस्म का था, अभी घायल हुआ है। इसके साथ जो पुलिस घायल हुआ है उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। कितने लोग आए हैं सर इसमें? 2 लोग घायल हैं मौके से और उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। इनामी बदमाश था? इनाम नहीं था लेकिन ये वांछित था रजपुरा थाना क्षेत्र से। अभी प्रथम दृष्टया ही पता चला, बाकी पता किया जा रहा है। अन्य जनपदों से भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री।